वेलकम बैक टू गेमिंग। तो क्या हाल यार आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं स्नैप ड्रैगन कॉन्क्वेस्ट के साथ। तो यार ये इवेंट ओवर हो चुका है एंड इवेंट के विनर्स की अगर हम बात करें तो ये पहला न्यू स्टेट मोबाइल का टूर्नामेंट अपने नाम किया है टीम एक्सो ने एंड वो जीत चुकी है 1,50,000 रुपीज का इनाम। सेकंड पर हमें देखने को मिली टीम एसेटियल जो जीत चुके हैं 75,000 का इनाम एंड थर्ड पर हमें देखने को मिली टीम गॉडलाइक जो जीत चुके हैं 50,000 का इनाम। एंड इसी के साथ इस इवेंट ने कुछ रिकॉर्ड्स अपने नाम करे हैं एंड उन रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो हमें 11,000 की पीक वॉचिंग देखने को मिली फाइनल्स में एंड ओवरऑल स्टैंडिंग भी ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो जहां पर एक्सो एसेटियल गॉडलाइक से लेकर के मतलब टॉप 16 टीम्स आपको दिख रही होंगी। एंड ऑल्सो मार्कस गेमिंग की तरफ से एक प्यारा सा मैसेज हमें देखने को मिला जो कि एक मोटिवेशनल मैसेज था उनके प्लेयर्स के लिए जो टॉप 3 में अपनी जगह नहीं बना पाए एंड दिस वॉज समथिंग ग्रेट स्टेप बाय मार्कस गेमिंग। अब यार गेमिंग और ईस्पोर्ट्स के बारे में आगे बात करें तो हाल ही में स्काउट एक व्लॉग अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर एंड इसी व्लॉग में वो गेमिंग और ईस्पोर्ट्स में करियर के बारे में बात करते हैं एंड वो क्या कुछ कहते हैं वो पर्टिकुलरली ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। तो लाइक पहले से बाहर की कल्चर को देखते हुए आ रहे हैं ऑलरेडी बाहर इनसेन लेवल पे गेमिंग और इंडिया में ये स्पोर्ट इस तरीके से ग्रो हो रहा है वो हम लोग के लिए भी अच्छा है। प्लस बाहर जितने भी गेमर्स हैं जिनको लगता था कि यार गेमिंग से करियर नहीं बन सकता या फिर बहुत पेरेंट्स को लगता था कि यार गेमिंग बच्चों के लिए नहीं है, बस टाइम पास है, उसमें करियर और फ्यूचर नहीं है, वो उन लोग के लिए एक रियलिटी चली कि हाँ अगर किसी को गेमिंग में इंटरेस्ट है वो आगे आगे कुछ कर सकता है, दे कैन हैव अ फ्यूचर इन दैट। एंड हियर वी आर, हम लोग एक छोटे से रूम में दोस्तों के साथ कंप्यूटर में गेम खेलने से लेके यहाँ पे आज इतने सारे लोगों के दिल में। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नियो के बारे में। तो हाल ही में मैंने आपको बताया था कि घातक भाई के क्या वर्ड्स थे गॉडलाइक प्लेयर्स को लेकर के एंड इसके बाद गॉडलाइक फैंस भी नियो को सीरियस होने के लिए कहते हैं एंड नियो फाइनली एक डिसीजन लेते हैं जहां पर फर्स्टली वो रिग्रेट करते हैं अपनी सभी मिस्टेक्स पर एंड इसके साथ साथ वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करते हैं अपने सभी फैंस को एंड यहाँ पर वो क्या प्रॉमिस करते हैं क्या कुछ कहते हैं वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। तुम लोगों दिल से मेरी भांजी की कसम एक चीज़ प्रॉमिस कर रहे हैं कि गेम आने पे तुम्हारा भाई MVP बनेगा वापस से और इतनी मेहनत कर गया MVP बनने के लिए, इतनी मेहनत लास्ट टाइम करने के लिए। मैं मानता है कि MVP बनने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइटली ले ली कि हाँ अब तो बन चुका हूँ, अब तो एक गेम हो चुका है मेरा, अब इसे गंदा क्या खेल सकता। और मैं लास्ट के 4-5 महीने खराब खेला था मानता हूँ और अभी मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने अपना पुराना सेंसी किया उसमें मेरा हाथ नहीं बैठ रहा, तो मैं थोड़ा टाइम दो कि मेरा हाथ वापस से बैठे, बट तुम्हारा भाई MVP बनेगा ये प्रॉमिस है तुमसे। गॉड लाइक प्लेयर्स के बारे में आगे बात करें तो हाल ही में शेडो बात करते हैं जॉनाथन के बारे में एंड ये बताते हैं कि जॉनाथन इस वजह से कंसिस्टेंट स्क्रिम्स वगैरह में पार्ट नहीं ले रहे क्योंकि जॉनाथन कहीं ना कहीं बोर हो गए एंड गेम आने का वेट कर रहे हैं एंड शेडो क्या कुछ कहते हैं वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। जॉनी को बिल्कुल सीरियस नहीं है, गॉब्लिन को देखो कितना ग्रैंड। अरे जॉनी से आज ही बात हुआ भाई मेरा, जॉनी क्या बोला कि वो भी बोर हो गया है, जल्दी गेम वापस आना चाहिए। जॉनी ये बोला, जॉनी अपना सोलो ट्रेनिंग करता है भाई और क्या, क्लासिक और अपना ट्रेनिंग मोड खेलते रहता है, डाउनफॉल नहीं आएगा भाई, गेम आने से पहले सब रेडी मिलेगी। अब जॉनाथन के बारे में आगे बात करें तो आपको पता होगा हाल ही में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें हमें जॉनाथन बैठे हुए दिख रहे हैं एक मस्टैंग में। अब यार उसी वीडियो के रिगार्डिंग घातक भाई बात करते हैं, वहां पर वो रिवील भी करते हैं कि जॉनाथन के पास काफी सारी कार्स हैं जिसमें वो मैकलेरन का भी नाम लेते हैं एंड वो क्लिप ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। जॉनी कार लीक हुई वीडियोस, अरे जॉनी आजकल 3-4 कार में घूमता है, कौन सी गाड़ी है उसमें से पता, कौन सी गाड़ी है उसके पास, मैकलेरन है, मस्टैंग है उसके दोस्त के पास, जी वैगन है, वो 3-4 गाड़ियों में घूमते हैं, कौन सी गाड़ी है बताओ। ओके मैकलेरन लीक हुई है क्या, और दो गाड़ियों के बारे में नहीं लीक हुआ है क्या, देखता हूँ। ओके चेक करके आना चिमकू कौन सी गाड़ी लीक हुई है मेरे को बताना चैट में। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थक के बारे में। तो फर्स्टली यहाँ पर थक बात करते हैं और जवाब देते हैं एक सवाल का एंड सवाल ये होता है कि एसीटल की वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी, फीफा इन सब में लाइनअप क्यों नहीं है एंड यहाँ पर थक क्या कुछ कहते हैं वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। प्लान ऑफ मोर लाइनअप्स, राघव पोद्दार नॉट रियली, आई थिंक कॉडम में राइट नाउ इंडिया इज वेरी लिमिटेड टू व्हाट गॉडलाइक एंड वाइटैलिटी हैज टू ऑफर, सो टू बी ऑनेस्ट इट मेक्स नो सेंस बिकॉज दे होल्ड इंडियाज बेस्ट टू लाइनअप्स। उसके बाद अगर आप गेम देखो ब्रॉल स्टार्स पे इंडिया में ज़्यादा कुछ है नहीं, देर वॉज वन लाइनअप जो स्टालवर्ट की थी पहले बट नाउ इट्स फ्री एजेंट बट दे आर अपेरेंटली द बेस्ट, बट आई थिंक इट्स वेरी ग्राफ जो है ब्रॉल स्टार्स का वो अप डाउन है, देर इज नो कमिटमेंट, पता नहीं चलता कि क्या आगे होने वाला है। इसके अलावा फीफा में देर
वॉज स्कोप टू बी ऑनेस्ट, उसमें मैंने थोड़ा लेजीनेस कर दिया, बट राइट नाउ आई थिंक आवर नेबर्स हैव अ वेरी गुड डुओ अपेरेंटली. सारांश है ना सिड भाई उनके पास, सारांश इज वन ऑफ द बेस्ट फकिंग प्लेयर्स आई हैव सीन, मतलब आई थिंक हैज बीन. एंड लोकमान्यू भी एक है हुआ करता था, आई थिंक लोकमान्यू ही है उसका दूसरा, या चरणजोत, ये तीन ही थे ऑलवेज, मतलब जो मैंने देखा है टॉप पे. वेलो गाइज इट्स नॉट पॉसिबल, वेलो में नॉट राइट नाउ. ऑल्सो थक से यहाँ पर पूछा जाता है कि SCTL का अभी सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कौन है, एंड थक यहाँ पर एक सेवेज रिप्लाई देते हैं, वो भी ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो. SCTL के टक्कर में कोई है? अभी हमारा टक्कर हुआ था, 100 थीव्स थी, OTK थी, फेस क्लैन था, जीत गए तेरे गाइस वहाँ पे. टक्कर तो है गाइस, ऐसा थोड़ी है कि टक्कर नहीं है. तो बस यार आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी. वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जोर से सब्सक्राइब कर देना. मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. साइनिंग ऑफ.